नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है मटर चीला। ठीक है, तो हम बनाएंगे आज मटर चीला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो ये देखिए दोस्तों, मटर चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम मटर और 200 ग्राम सूजी। ठीक है, बारीक सूजी लीजिएगा। और ये है ऑलिव ऑयल, फिर है यहाँ पे बारीक कटा हरा धनिया, साबुत जीरा, हल्दी, नमक स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे है गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपकी फैमिली में लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा या फिर नॉर्मल। ठीक है, तो ये देखिए पहले हमें क्या करना है कि मिक्सर में इसे ग्राइंड कर देना है मटर के दानों को। तो मटर के दानों को मैंने डाला जार में। जार में डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, ज़्यादा आप लोग पानी मत डालिएगा वरना ये ज़्यादा ही पतला इसका ग्रेवी बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया जो भी मैंने हरा कटा मिर्चा रखा था उसे डाल दिया। इसमें थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये ग्राइंड करके आ चुका है मटर। ठीक है, इसे हम एक बाउल में हम निकाल लेंगे। इसमें जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है इसे हम पानी की हेल्प से इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें डालना है जो हमने सूजी लिया था, उस सूजी को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर मैंने जो भी यहाँ पे सामग्री लिया हुआ था उसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला हल्दी और फिर स्वाद अनुसार नमक। ठीक है, गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया। ठीक है, इसमें हमने डाल लिया। अब हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी की ज़रूरत है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए इसमें हम डाल रहे हैं पानी और फिर इसे हम करेंगे मिक्स। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के देखिएगा और अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा, जो आप लोगों का बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना चीला को बनने में दिक्कत होगी। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा बैटर 10 मिनट के बाद तैयार हो चुका है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम तवे में डालेंगे 1 चम्मच तेल। ठीक है, उसके बाद हम अपना बैटर डालेंगे। देखिए आप इसे ज़्यादा पतला मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाने के बाद में इसका ना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम इसे किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हो कलर चेंज होने लगा इसका ना, कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसे हल्का हल्का सा हल्के हाथों से इसे हम नीचे से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये इसे हम हल्के हल्के हाथों से इसे निकाल लेंगे। हम से छूट चुका है, हम इसे टर्न कर देंगे। ठीक है, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा थोड़ा सा बस ब्राउन होने तक सेकना है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा चीला काफ़ी अच्छे से सीख चुका है। ठीक है, अब हमें इस पर दूसरा डालना है, फिर से हटा लेते हैं। दूसरा बैटर डालने के लिए हमें फिर से इस पर थोड़ा सा डालना है ऑयल और फिर हम इस पर डालेंगे बैटर। बैटर को डालने से पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, किनारे किनारे पड़ गया तेल और फिर इसे हम करेंगे टर्न।
इसका देखना है कलर जब चेंज होने लगे तो हमें इसे टर्न कर देना है, ठीक है। ये जब एक साइड से सीख चुका था तो हम इसे कर चुके हैं टर्न, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ एक साइड से सीखना है। ये देखिए हमारा ये भी छीला बन के तैयार हो गया है। अब हम ऐसे ही एक एक करके अपने सारे छीलों को बना करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी टेस्टी लगता है। और फिर हम आपको बताते हैं कि इसे सर्व कैसे करें, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एक एक करके सभी छीले बनके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे टोमेटो सॉस के साथ भी टेस्ट करिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है। हमें तो बहुत पसंद है टोमेटो सॉस के साथ ये। तो हम अलग अलग चटनी की रेसिपी भी आप लोगों को शायद शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग खाइए ये, सबसे पहले आपके लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आखिर ये लगा कैसा, इसका टेस्ट कैसा था। ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर किसी भी फूड की कोई भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए और हाँ, सपोर्ट भी शो करिएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट शो करिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों तक ये पहुँचाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।